9 मई के वाकयात की तफ्तीश मुसर्रत चीमा और जमशेद इकबाल चीमा ने डी आई जी इन्वेस्टिगेशन के सामने बयान रिकॉर्ड कराया। मजीद तफसीला जानते हैं हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद से। जी, क्या मुकदमा दर्ज है इन पे? देखें जी, 9 मई को जो तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ और लोगों को उकसाया गया था, उसमें जो मुसर्रत जमशेद चीमा पीटीआई की मसली रहनुमा थी पंजाब की, जबकि जो सबक रहनुमा पीटीआई के जमशेद इकबाल चीमा, उनके खिलाफ लाहौर शहर में 5 मुकदमात दर्ज हैं, जिसमें दोनों मियां बीबी नामजद हैं। उसमें डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल के सामने इन्होंने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है और जो तफ्तीश है उसके मरहले का बाकायदा आगाज लाहौर पुलिस की जानिब से किया गया था 2 से 3 रोज कबल, जिसमें मुख्तलिफ रहनुमाओं की पेश होने का सिलसिला जारी है। अब मुसर्रत जमशेद चीमा जमशेद इकबाल चीमा पेश हुए हैं, उन्होंने सारा मामला जो है वो पुलिस के सामने रखा है कि किस तरह से जो ये वाकया पेश आया था। अब जो है उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और कुल इन पे 5 मुकदमा दर्ज हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।